नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका आई थी जिसमें कहा गया था कि AIBE का कट ऑफ कम कर दिया जाए। दरअसल AIBE एक तरीके से एग्ज़ाम होता है जिसके बाद वकील बना जाता है। तो वहाँ पर एक याचिका आई सुप्रीम कोर्ट में कि AIBE का जो कट ऑफ है वो कम करा जाए। बेसिकली कट ऑफ था लगभग 45, तो जो था जनरल और OBC का था, और SC ST का 40 था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई थी उसके अनुसार कहा गया कि जो कट ऑफ है वो 40 का तो जनरल और OBC का करा जाए और 35 का SC ST का करा जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का जो जवाब आता है वो आप लोगों को भी ज़रूर सुनना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक आर्टिकल देखिए। सोशल एक्टिविस्ट शुभम शुक्ला लिखते हैं, थोड़ा पढ़ लो भाई, CGI DY चंद्रचूड़ जी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके कारण हर कोई उनकी हाजिर जवाबी की वाह वाह कर रहा है। दरअसल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कट ऑफ करवाने की मांग लेकर गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप इतना भी स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन वकील बनना चाहते हैं, आप पढ़ाई करें। कट ऑफ स्कोर कम करने से वकीलों की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण अंक 45% और SC ST उम्मीदवारों के लिए 40% निर्धारित है। जो इतने नंबर भी नहीं ला सकता वो क्या वकील बनेगा? ये सही फैसला है। कानूनी पेशे में हाई स्टैंडर्ड बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। योग्य व्यक्तियों को ही बार में प्रवेश दिया जाना चाहिए। भारत में कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता की रक्षा की जाए। लास्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कैसा वकील होगा वो जो इतने भी नंबर नहीं ला पाएगा। आप इसे 40 और 35 करने की मांग कर रहे हैं, तो इस तरीके से मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी का जवाब आता है। हालांकि CGI द्वारा दिए गए इस बयान के चारों तरफ वाहवाही भी चल रही है। जिस तरीके से CGI ने बयान दिया, CGI का कुल मिलाकर के ये कहना था कि भाई पढ़ो और पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, जितना ज़्यादा एक वकील पढ़ेगा उसके लिए उतना बेहतर ही रहेगा, ये तो कॉमन सी बात है। इस तरीके से CGI ने वकीलों के लिए कहा। हालांकि CGI का जो ये बयान है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।